सबसे पहले आपको लिखिए मात्राएं। मात्राएं क्या होती है? स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये देखिए जो चिन्ह बने हुए हैं, देखिए आ छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो निश्चित, ये जितने चिन्ह मैंने बनाए हैं इन्हीं हम मात्रा कहते हैं जो स्वरों के साथ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा कहाँ लगाई जाती है? व्यंजन के पीछे। ठीक है, छोटी की मात्रा व्यंजन के सामने, बड़ी की मात्रा व्यंजन के पीछे, छोटू की मात्रा व्यंजन के नीचे, बड़ू की मात्रा भी व्यंजन के नीचे, और इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, री री की मात्रा को री कहते हैं। ठीक है, फिर ए की मात्रा जो सिरो रेखा के ऊपर लगाई जाती है, ए की मात्रा दो होती है और वो भी सिरो रेखा के ऊपर लगाई जाती है। फिर है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा एक सीधी लगी और ऊपर एक मात्रा होती है, ओ की मात्रा और आहा। बेटा ये जो दो बिंदी है इसका उच्चारण होता है ह, आहा वाह। ठीक है, इसके बाद ये स्वरों के चिन्ह है, अब आपको मात्रा समझ गए। मात्रा के बाद देखिए शब्द, शब्द कैसे बनते हैं? जो वर्ण होते हैं अ से लेकर ज तक उन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन उन वर्णों का एक निश्चित क्रम में होना आवश्यक है। यदि वर्ण आगे या पीछे हो तो उन वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता और वो शब्द नहीं कहलाते। जैसे देखिए इसकी परिभाषा, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। देखिए वर्ण ख ल, ये कौन कौन से वर्ण है? ख और ल दोनों मिलकर एक शब्द बनाए फल। लेकिन यदि हम ल को पहले और ख को बाद में लिखेंगे तो ये क्या शब्द बन रहेगा? ल फ। बेटा ये कोई शब्द नहीं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए वाक्य, मात्राएं पढ़ लिया हमने, शब्द तीसरा है वाक्य। वाक्य कैसे बनता है? अभी हमने क्या पढ़ा? शब्द है ना, तो शब्द किससे बनता है? वर्ण से। तो वर्ण से जो शब्द बनते हैं उनकी शब्दों से ही वाक्य बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे दो वाक्य लिखे हैं, मछली जल की रानी है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, है मछली रानी जल, इसमें कौन सा वाक्य सही है? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका जो एक क्रम है, एक निश्चित क्रम में वाक्य जुड़े, शब्द जुड़े हुए हैं, है ना, इसलिए ये वाक्य है। देखिए इसकी परिभाषा, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। लेकिन इन्हीं शब्दों को अगर हम आगे पीछे कर दें, देखिए है मछली रानी जल, ये सब इधर उधर है, ये एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े हुए हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे। तो अब आप सभी समझ गए कि मात्राएं, शब्द और वाक्य क्या है।